हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और इसी बीच में हम आपके लिए एक नया रेलवे अप्रेंटिस वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपके पास पटियाला रेलवे अप्रेंटिस वैकेंसी 2024, ठीक है ना। तो इसमें हम टोटल पोस्ट क्या है, कौन सा ट्रेड के लिए वैकेंसी निकली है, ठीक है ना, इसमें आपको जो है ना पैसा कितना मिलेगा, क्या पर मंथ जो है ना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या ये परमानेंट जॉब होता है या फिर आपका ट्रेनिंग बेसिस होता है, हम सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो है ना क्वालिफिकेशन के भी बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, वैकेंसी कहाँ निकली है, पटियाला रेलवे अप्रेंटिस वैकेंसी 2024, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि अप्रेंटिस क्या होता है मालूम है नहीं, तो ठीक है चलिए हम बताते हैं। तो पहले देख लेते हैं टोटल पोस्ट कितना है, 250 पोस्ट है टोटल। अप्लाई डेट कब से है, तो 7/10/2024 से स्टार्ट है, मतलब स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट है 16/11/2024, मतलब 16 नवंबर इसका जो है ना लास्ट डेट है भरने का, क्या बजे तक, शाम 5 बजे तक, ठीक है। एप्लीकेशन फीस का बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज, वही एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल के लिए है आपके पास 0 रुपीज, ठीक है। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन करना है और फॉर्म भी आपका ऑनलाइन भराएगा, ठीक है ना। अब चलिए एज लिमिट का बात करते हैं, तो एज लिमिट कब से नापा जाएगा, 7/10/2024 से, जहां आपको वेल्डर ट्रेड के लिए 15 से 22 वर्ष उम्र होना चाहिए, मतलब कम से कम 15 वर्ष और अधिक से अधिक 22 वर्ष होना चाहिए। अदर ट्रेड के लिए 15 से 24 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का एज अभी कितना पूर रहा है, तो उसका जो है ना कैलकुलेट कर लीजिए, क्या 7/10/2024 को 15 साल पूर रहा है, तो फट से अप्लाई कीजिए। हाँ, ओबीसी एससी एसटी को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर है आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस का बात करते हैं, कि देखिए इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है ना, सीधा मेरिट बेसिस पर होगा एग्जाम, मतलब एग्जाम नहीं होगा, सीधा आपका जो मार्क्स है उसी पर मेरिट निकलेगा। वो मार्क्स कैसे आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा, आईटीआई के मार्क्स पर बनाएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, क्लियर है। ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। आगे आपके पास क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो हर एक ट्रेड के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है इसमें। तो देखिए यहाँ है ट्रेड और यहाँ है आपके पास क्वालिफिकेशन, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए इसको। इलेक्ट्रिशियन के लिए 10वां पास होना चाहिए और 50% मार्क्स अवश्य चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स रहना चाहिए, साथ में आईटीआई होना चाहिए, और आईटीआई किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिक्स डीजल में, किस में होना चाहिए, मैकेनिक्स डीजल में 10th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ कम से कम, और आईटीआई चाहिए, कहां आईटीआई, कौन सा ट्रेड में, मैकेनिक्स ट्रेड में, ठीक है ना। उसके बाद है मैकेनिस्ट, देखिए मैकेनिक अलग है और मैकेनिस्ट अलग होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें भी आपको 10वां पास चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स, और आईटीआई चाहिए आपका मैकेनिस्ट में, ठीक है ना। उसके बाद है वेल्डर, वेल्डर में आपके पास किसके लिए निकला, गैस वेल्डिंग के लिए और इलेक्ट्रिक वेल्डर के लिए, इसमें भी 10वां पास होना चाहिए आपके पास और आईटीआई होना चाहिए, और आईटीआई किस में, वेल्डर में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ ट्रेड वाइज वैकेंसी थोड़ा देख लेते हैं कि कौन से ट्रेड में कितना वैकेंसी निकला हुआ था, यहाँ टोटल पोस्ट, यहाँ ट्रेड का नेम। देखिए इलेक्ट्रिशियन के लिए 130 पोस्ट है, मैकेनिस्ट के लिए आपके पास 20 पोस्ट है, वही मैकेनिस्ट आपके पास जो है ना, सॉरी वेल्डर के लिए जो कि गैस और इलेक्ट्रिक के लिए है आपके पास 30 पोस्ट है, मैकेनिक के लिए डीजल, जो मैकेनिक डीजल में है उसके लिए आपके पास 30 पोस्ट है, और फीटर का पोस्ट आपके पास 40 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे अधिक पोस्ट है आपके पास इलेक्ट्रिशियन का पोस्ट है, ठीक है ना, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं क्या है, इसको करने में कितना समय लगता है। तो सबसे पहली बात कि ये एक ट्रेनिंग बेस्ड जॉब है, ठीक है, इसको कर लेते हैं तो रेलवे एनटीपीसी का जॉब जो भी, सॉरी नहीं नहीं रेलवे का जो भी जॉब निकलेगा ना, उसमें आपको 20% का इसमें आरक्षण रहता है, किसके लिए, अप्रेंटिस वाले बच्चा को। मान लीजिए कहीं 100 सीट निकला है, ठीक, वैकेंसी है, तो 20 जो सीट रिजर्व रहेगा, जो बच्चे अप्रेंटिस किया रहेगा रेलवे में, उसके लिए फायदा तो है, ठीक है। और प्लस इसको करने में आपको जो है ना पर महीने समय 7 से लेकर के 8,000-9,000 रुपया हर महीने आपको जो है ना स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो मतलब रहने सहने का खर्चा भी आपको अलग से नहीं लग रहा है, आप ट्रेनिंग भी कर लिए, और आप एक क्या हो गया प्लस पॉइंट कि आपका जो है ना रिजर्वेशन भी हो गया उसमें, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जो है ना में पूरी जानकारी मिली होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच, मन लगा के पढ़ते रहिए।